हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे कई बंदे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 36वीं चैनल आ रहा है, कोई उपाय बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि 36 चैनल क्यों आता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके डीडी फ्री डिश में कितना ही बार आप ऑटो स्कैन कर लें वो 36 ही चैनल आएगा। क्योंकि 36 और 42 भी आ सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 36 से केवल चैनल आएगा। आप प्रॉपर तरीके से डिश सेट नहीं हो पाता है, इसलिए वो 36 ही चैनल आता है। जैसे मान लीजिए जी अनमोल चैनल है, ये दोस्तों ये लो फ्रिक्वेंसी का चैनल है, और जो कि ये सोनी पॉल और कलर्स रिश्ते ये सब दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी का चैनल है। तो जब तक आपका सिग्नल प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होगा तो आपका ये वीक सिग्नल, मतलब वीक सिग्नल बोल रहे हैं, वीक सिग्नल तो लिखेगा ही वो चैनल लगाएंगे तो, लेकिन ये आपका सभी चैनल नहीं आ पाता है। और दोस्तों, सेकेंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जाकर सब्सक्राइब कर ले। उस पर मैं डिश से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका ये 36 चैनल आता है। बार बार यही हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहा है दोस्तों कि 36 चैनल मेरा डीडी फ्री डिश में आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं हम छतरी की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे मेरा छतरी लगा हुआ है और मेरा ये जो 36 चैनल क्यों नहीं आता है हमारे फ्री डिश में। दोस्तों, 156 चैनल डीडी फ्री डिश में है, तो हमारे डीडी फ्री डिश में 156 चैनल आते हैं। तो आपके डीडी फ्री डिश मतलब 36 चैनल क्यों आता है, तो चलिए आपको बताता हूँ क्यों आपके डीडी फ्री डिश में 36 चैनल आता है। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है, ये वाला स्टैंड जो कि ये प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए तभी ये काम करेगा। जैसे हम आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि ये स्टैंड है एकदम खड़ा लगा हुआ है, इसलिए ये 90 डिग्री के एंगल पे है। जब भी आप डिश को लगाएं तो इसको खड़ा लगाएं, एकदम ऐसा जैसे मेरा उंगली दिखाई दे रहा है वैसा ही रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा 2 LNB लगा हुआ है, तो ये एयरटेल के लिए मैंने इसको लगाया हुआ है, जो कि कभी कभी एयरटेल भी हम इस डिश पे चला देता हूँ। छतरी सेट है मेरा एयरटेल और डीडी फ्री डिश पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ्री डिश का जो LNB है वो ऐसा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये LNB स्क्रू एंगल यहाँ पे लिखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा आपके छतरी में ऐसा ही होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा इधर पकड़ लेना है LNB को, हल्के से तिरछा कर देना है। इतना तिरछा कर देंगे उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम और ट्रिक बताऊँगा। तो और छतरी को इधर उधर पहले ये वाला ट्रिक अवश्य कीजिए, ताकि ये वाला ट्रिक काम कर गया तो सही है, नहीं तो आप हल्के हल्के इधर उधर छतरी को कीजिए। और ये आपके सेटर बॉक्स में सोनी पल चैनल होगा, वो चैनल लगाकर ही सिग्नल को मिलाए, ताकि वो उसका जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसका सिग्नल क्वालिटी जो उस चैनल पे सिग्नल मिल जाएगा तो सभी चैनल चलने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।